मालवा का विकास हम सभी चाहते हैं, लेकिन छोटी रानी कारीगरों की शर्त को ठुकराकर महिलाओं की सेना तैयार कर रही है। इन कारीगरों का तो अभी से इतना नुकसान हो गया, आगे क्या होगा किसे पता। अहिल्या को सत्ता का नशा हो गया है। मल्हार सरकार को भी अपने इशारों पर चलाने लगी है वो आजकल। जो अधिकार मुझे मिलने चाहिए वो सब अहिल्या को मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर गांव की औरतों की मदद लेने से उसका व्यापार चल पड़ा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी सरपंच जी, यदि आपकी जगह आपकी पत्नी को सरपंच बना दिया जाए। इसीलिए अहिल्या के रास्ते में कांटे बिछाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही होगा साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोटी रानी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, कभी नहीं। यही सुनना चाहता था। तो आज से अहिल्या के हर कदम की खबर मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है? जी, मैं साजा को उसके घर तक छोड़ाती हूं। अहिल्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम हमेशा लोगों का भला चाहती हो और लोग तुम्हें हमेशा सारजा? मेरा एक काम करोगी? हाँ, बस ये समझ लेना कि मैंने जो सोचा है उसे रूप देने और आकार देने के लिए बस ये एक ही रास्ता है हमारे पास। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.